वेलकम टू टेक स्टेप। टेक स्टेप में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप बैंकॉक की बेस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का रिसर्च करना शुरू करते हैं, तब भी आपको फ्लोटिंग मार्केट के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं से रिकमेंड किया जाता है, चाहे कोई टॉप 5 की लिस्ट हो या टॉप 10 की लिस्ट हो। बैंकॉक में एक से ज़्यादा फ्लोटिंग मार्केट है। इसमें से हम जिस जगह पर गए थे उसका नाम है अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट, जो कि बैंकॉक से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बैंकॉक में नहीं आया, ये अलग जगह पर आया जिसे कहते हैं बैंकॉक, एक अलग ही प्रोविंस में, इसलिए वो 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो यहाँ पे पहुँचते कैसे हैं उसके बारे में और इस लोकेशन के बारे में जो कि अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट है, हमारा एक्सपीरियंस क्या था, वो आपसे ज़रूर हम इस वीडियो में आगे शेयर करें ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हाउ टू रीच। सबसे बेस्ट वे है कि आप मिनी वैन करें, क्योंकि मिनी वैन डायरेक्टली वहाँ जाती है, बीच में रुकेगी नहीं, तो आपका समय बचेगा, काफ़ी फास्ट है। बीटीएस एकमाई और मोचित, ये जो स्टॉप्स है, बीटीएस मतलब कि आप कह सकते हैं मेट्रो, जो कि टॉप के ऊपर से ट्रेन चलती है, वहाँ से डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी मिनी वैन्स। वहाँ पे जैसे ही आप टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से निकल सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है वो, और वो वैन पूरा फुल होने का वेट नहीं करती है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। एंड उसी स्टॉप पे उसका टर्मिनल ऐसे कह सकते हैं, कुछ 100 बात तब पे किया था। प्राइजेस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो वक्त के हिसाब से शायद बदल सकते हैं। और ये जो अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ पे आप पहुँचेंगे, इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और आपको आप वन डे में वापस भी आ सकते हैं। ये माइकलोंग रिवर में आता है। यहाँ पे जो मेन एक्टिविटीज़ जो हमने देखी हैं, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया लेकिन जो पता किया है, वो है बोट टूर। आप देखेंगे मार्केट में, आप जैसे टॉप पे वॉक कर रहे हैं, नीचे नदी है, वहाँ पे बोट की टूर्स है जो कि आप ले सकते हैं। खाने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, काफ़ी लोकल फूड है, रिकमेंडेड है, आप ट्राई करें। काफ़ी अच्छे डेजर्ट्स भी हैं, जैसे थाई डेजर्ट्स कहते हैं। और कुछ टॉप पे जहाँ पे आप वॉक करेंगे, ध्यान से वॉक करना वहाँ पे, और शॉपिंग का तो ऑप्शंस है ही अच्छे, काफ़ी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज और जूसेस, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप सुबह जा रहे हैं तो एक टिप है, सिर्फ कैप या हैट लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभार गर्मी ज़्यादा होती है। पानी आप नहीं कैरी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे मिनरल वाटर इजीली अवेलेबल है और लोग तो काफ़ी फ्रेंडली हैं। अगर आपको कहीं मुश्किल हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन किसी शॉप वाले से पूछिए, क्योंकि हर कोई यहाँ पर इंग्लिश में नहीं कम्युनिकेट कर पाता, तो आप गूगल ट्रांसलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। सो मेन प्लेसेस हमने वीडियो में दिखाया है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और जब आप जाएंगे या आप किसी और को रिकमेंड करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.